मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान इंग्लिश राइटिंग स्किल। स्पीच राइटिंग देखेंगे, ये चिल्ड्रंस डे स्पीच है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन स्पीच राइटिंग। इमेजिन योर स्कूल इन्वाइट्स मलाला टू प्रेसाइड वर्च क्रिएट सेलिब्रेशन ऑफ चिल्ड्रंस डे। ड्राफ्ट अ वेलकम स्पीच फॉर दिस नोबल यंग गर्ल। यानी आपके स्कूल ने चिल्ड्रंस डे पर मलाला को बुलाया है, तो एक चिल्ड्रंस डे के ऊपर वेलकम स्पीच आपको तैयार करना है। लेट्स बिगिन। शुरुआत कैसे करते हैं? ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड चेयरपर्सन, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, आवर टुडेज गेस्ट मलाला यूसुफ जई दीदी एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स, वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। यानी शुरुआत का जो पहला पैराग्राफ यही रहेगा, इसमें आप जो इस्तकबालिया कलमात है वो कहते हैं, जैसे कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड चेयरपर्सन, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड आवर टुडेज गेस्ट मलाला यूसुफ जई दीदी, वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। आज हम यहाँ जमा हुए ताकि चिल्ड्रंस डे मनाएं। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेशन आई वुड लाइक टू लिमिट माई वर्ड्स ऑन द चिल्ड्रंस डे। और मैं इस मुकद्दस दिन जो योम अतफाल है इस पर बहुत ही कम अल्फाज, महदूद अल्फाज बोलना चाहूँगी। चिल्ड्रन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड होम एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो बच्चे होते हैं वो हमारे समाज का एक अनमिट, एक बेजोड़ हिस्सा होते हैं और वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी होते हैं। वी कैनॉट इग्नोर देयर इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लाइफ ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर रिलेटेड पीपल ऑल थ्रू द लाइफ। और हम इनके जो मामलात है और इनके शमूलियत है उसे बिल्कुल भी नदारद नहीं कर सकते। खुसूसन वालदैन, असातेज़ा, टीचर्स और जो तमाम किस्म के लोग हैं जो इस ज़िंदगी में इनके साथ होते हैं। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो दिन है ये बच्चों के लिए ख़ास होता है ताकि योम अतफाल मनाया जा सके पूरी दुनिया में। इन इंडिया इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14th November ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में ये 14 November को बर्थ एनिवर्सरी है हमारे खसूसी मुजाहिदीन आज़ादी और हमारे पहले वज़ीर आज़म भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो इस दिन मनाया जाता है। द सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे रिमाइंड्स अस टू रिन्यू आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स चिल्ड्रंस वेलफेयर इंक्लूडिंग देयर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। और ये दिन, ये तकरीब हमें याद दिलाती है खसूसी तौर पर बच्चों के बहबूद के काम, उनकी सेहत और उनकी तालीम के बारे में। इट इज़ एन ओकेशन टू अप्रिशिएट द क्वालिटीज़ ऑफ चाइल्डहुड। ये एक मौका होता है कि हम बचपन की खूबियों को गिनाएं और उसकी तारीफ़ पेश करें। चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन। बच्चों को तस्लीम किया जाता है कि ये मुल्क की मजबूत तामीर में हिस्सेदार हो सकते हैं। दे हैव कैपेबिलिटीज़ टू चेंज द नेशन पॉजिटिवली, दे आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ टुमारो। और वो मुल्क की तकदीर बदलने की काबिलियत रखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री लाइज इन देयर हैंड। और मुल्क की तरक्की उनके हाथों में होती है। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन आल्सो रिमाइंड्स अस अबाउट देयर राइट्स। और योम अतफाल हमें याद दिलाता है बच्चों के जो हकूक है उस बारे में। चिल्ड्रंस आर लीडर्स ऑफ टुमारो, से दे नीड टू गेट रेस्पेक्ट, स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन फ्राम देयर पेरेंट्स। बच्चे जो है मुस्तकबिल के रहनुमा होते हैं, तो उनकी खसूसी देखभाल, उनकी तवज्जो वालदेन और टीचर्स की तरफ से होनी चाहिए और समाज की तरफ से। टू द रियली गेट इट, क्या वाकई बच्चे ये सब हासिल कर पाते हैं? दे आर बींग अब्यूज्ड इन मेनी वेज इन आर नेशन बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स और अदर पीपल। अक्सर उनके साथ नारवा सलूक होता है, खसूसन उनके फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार और पड़ोसियों की जानिब से। गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इट टू हेल्प देम टू लिव लाइफ हैप्पीली। मलाला दीदी इज़ फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। और हुकूमत भी इस किस्म के काम करती है, उनकी मदद करने के लिए कोशिश करती है ताकि वो खुश रह सके। और मलाला दीदी ने ये
लड़कियों की तालीम के लिए ये जद्दोजहद करती रहती हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ हर, हमें उन पर नाज है। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे इफ वी टेक इंस्पिरेशन फ्राम हर, नो चाइल्ड विल बी अब्यूज, नो गर्ल विल बी मॉलेस्टेड, शी इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड सो शी इज़ हियर विद अस। और हमें उनकी तरफ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, कोई बच्चों को कोई किस्म की तकलीफ ना हो, वह बच्चियों के साथ नारवा सलूक ना हो, वो हमारे लिए एक मशाले रहा है। वी आर ईगर टू हियर हर वैल्यूएबल थाट्स एंड वॉइस, सो आई थिंक आई वुड बेटर स्टॉप हियर। मुझे उनके खसूसी ख्याल से सुनना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर खामोश हो जाऊँ। विश यू ऑल हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स बी इंडेवियर। और आप तमाम को योम अतफाल की नए ख्वाहिशात और मुस्तकबिल के लिए भी नए ख्वाहिशात। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली एंड अटेंटिवली। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि आपने सब्र आजमा तरीक़े से मेरी बात सुने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।